26/11 मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान की अदालत ने लश्कर कमांडर जकीर रहमान लखवी समेत 7 लोगों के खिलाफ 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का केस पाकिस्तान में चलाने का आदेश दिया है। हालांकि पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 7 गुनहगारों के क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं दी है। उत्तराखंड में देहरादून के पास चकराता क्षेत्र में सिलीगुड़ देवता मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने को लेकर गांव में लोगों ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय पर हमला कर दिया। मंदिर में दलितों के प्रवेश पर पहले से रोक है। 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक थीम सॉन्ग ट्विटर पर पोस्ट किया है। थीम सॉन्ग के बोल हैं, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 26 मई से 10 जून के बीच बीजेपी नेता और मंत्री करीब 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियां करके उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पीएम मोदी ने अमित शाह और अरुण जेटली के साथ एक बैठक में संगठन और सरकार में एक साथ फेरबदल करने पर चर्चा की है। खबर है कि 11-12 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुंबई में बांद्रा में एसोसिएट जर्नल को कौड़ियों के दाम दी गई जमीन पर चल रहा निर्माण कार्य रोक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 मंजिला इस इमारत में और मंजिल बढ़ाने के लिए जरूरी परमिशन बीएमसी और कलेक्टर ऑफिस से नहीं मिलने की वजह से इमारत का काम रोकना पड़ा। कोयला घोटाले के अमरकोंडा मुर्गदंगल केस में नवीन जिंदल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को आगे की जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच के तहत सुरेश सिंघल से पूछताछ करेगी, उसके पास रखे अतिरिक्त दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। सीबीआई 30 मई को अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी।